टाइम मिलने वाले, तो लोगों को हम रिकमेंड करते नहीं करते? तो यहाँ पे यदि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और बेनिफिट मिलता है तो ये चीज लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं? बस यही करना है, काम बहुत सिंपल है राइट, बट आसान नहीं है। जरूरी नहीं कि कुछ सिंपल है आसान नहीं है। किसने कहा? काम सिंपल है तो आसान भी है, क्योंकि जो काम सिंपल है वो आसान तो हो ही जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। हमने प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों को बता रहे हैं, अब लोग इतनी आसानी से मान जाएंगे? लोगों को जोड़ना और वेंडर को तोड़ना एक बराबर होता है, लेकिन उसकी भी एक कला है राइट। आपके गली मोहल्ले में कॉलोनी के अंदर एक बांसुरी वाला आता है, आपने देखा होगा कि वो उसके पास जो बांसुरी होती है ना उसमें बड़ी सुरीली आवाज निकलती है, तो हर आदमी चाहता है कि भाई तू 25 नहीं इसके 75 रुपए ले ले, 100 रुपए ले ले, पर ये बांसुरी दे, सोचते ही वो कहता है नहीं, वो दूसरी बांसुरी जो आप खरीदना चाहते हैं उसको बजा के दिखाता है। और फिर जब हम परचेस कर लेते हैं तो उसमें सुरों की जगह फिर पता नहीं क्या निकलता है, फिर हम उसको उस बांसुरी को लेते हैं या तो ऊपर डाल देते हैं पलंग के नीचे डाल देते हैं। मैंने आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई है, सिंपल भी है और आसान भी है, लेकिन यहाँ पे इस सिंपल काम को आसान करने के लिए आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। आपको वो बांसुरी खरीदने के बाद कोई मेंटर ढूंढना पड़ेगा कि भाई साहब वो बांसुरी तो बजती है, आपको बजा के दिखाई है, अब हमें ये बताओ कि हम कैसे इसको बजा सकते हैं, इसमें से कैसे सुरीले गीत निकल सकते हैं। तो उसके लिए विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने शुरुआत में बात की सपनों की, तो सपने तो थोड़ी बहुत इनकम में तो पूरे होंगे नहीं, आपको लाखों रुपए की इनकम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, घर बंगला गाड़ी रिकॉग्निशन मान सम्मान सब चाहिए कि नहीं चाहिए? yes. तो उसके लिए लर्न करना पड़ेगा, तैयार? yes. ठीक है, तो विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम से हमने लर्निंग के अप्लाइंग के साथ बैठे और सबसे पहले अपने घर में प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद अपने जान पहचान के लोगों की लिस्ट बनाई, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनके मोबाइल में 10 से ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं है, 50 कॉन्टेक्ट, 100। आप देखो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके पास 100 कॉन्टेक्ट नहीं हो, एवरी वन। पर जब हम बात करने की बात करते हैं तो बोलते सर हम तो किसी को जानते तो पहले आप अपने 100 लोगों की लिस्ट बना लो, अपने अपलाइन की हेल्प लो, उनके साथ इस बिजनेस को सीखो। यदि 100 लोगों का आपके अप्लाई और विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम आपको हेल्प करे तो 100 में से कितने लोग अपनी दुकान अपना ब्रांड बदल के पैसा कमाने में इंटरेस्टेड होंगे? 10-20%। ठीक है, 10 लोगों के घर में यदि हम बात करें 3000 रुपए का प्रोडक्ट, तो 30000 रुपए की सेल हो गई आपकी बिना कोई दुकान खोले, सारे ऑफर बेनिफिट इनकम मिला के आपके घर में आ गए 2500-3000 रुपए, आपका प्रोडक्ट क्या हो गया? और इन 10 लोगों का वही 50% बेनिफिट हो गया राइट। अब आप बोल रहे थे ना कि सर आसान नहीं है, मैं सिंपल और आसान दोनों तरीके से बता रहा हूं। अब ये लोग चाहते हैं कि साहब हमें भी अपना प्रोडक्ट फ्री करना है, हमें भी इससे कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम इनकी अपलाइन और आप दोनों मिलके इनको हेल्प करते हैं। एक 10 का अपन ने एग्जाम्पल लिया, 100 लोग हो गए, 3000 रुपए का एवरेज प्रोडक्ट अपन मानते हैं, 3 लाख रुपए की सेल हो गई। इस पर्टिकुलर सेल पे आपको करीब 25 से लेकर 30 हजार रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर पैसा बढ़ा तो तालियां बड़ी भरी। अब आप ये सोचो कि यहां पे जो 25-30 हजार रुपया है इसके लिए कितने ही लोग आज दिन भर 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करते होंगे, ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री पता नहीं, हो सकता है कि पीएचडी वाले लोग भी इस अर्निंग के लिए कई इंटरव्यू दे रहे होंगे, सही है? तो 25 से 30 हजार रुपए यदि आपको अगले 2-3 महीने 6 महीने के अंदर आना शुरू हो जाए और उसके लिए डेली आपको घर में 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़े, इस तरह की ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड करना पड़े और हंसते खेलते अगले 6 महीने में 30 हजार रुपए आने लगे तो मजा आएगा? तो बजाओ एक बार।
नेटवर्क क्रिएट करने 1000 लोग हो गए, 1000 लोगों के घरों में यदि 3000 रुपए का प्रोडक्ट या 30 लाख रुपए की सेल हो गई, आपके घर में आ गए 2.5-2.5 लाख रुपए। अब आप फिर सोचोगे कि सर इतना आसान होता तो सबको आ जाता है ना, सिंपल है तो सिंपल है तो आसान भी हो ही सकता है, हो सकता है कि नहीं? लेकिन हम यहां अटक जाते हैं कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये आपके हिस्से की बात नहीं है, डिसीजन लेना उसके हिस्से की बात है। आप अपॉर्चुनिटी गिवर हो, आप दे सकते हो, चूज करना नहीं करना उस व्यक्ति की चॉइस है। आपने बहुत सारा पैसा लगाया, शादी में बहुत अच्छी रसोई बनाई और फूफाजी आए और उन्होंने कहा यार रसगुल्ले तो मुझे नहीं खाने, तो आपको पहली दफा तो डाउट होगा कि साहब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर आपने मौसा जी को बिठाया कि यार जरा आप चेक करके दिखाओ, बोले नहीं यार देखो सब बढ़िया है। फिर फूफा जी को ऑफर किया, बोले नहीं यार नहीं। फिर और एक दो लोगों को ट्राई किया, अब आपको समझ में आ गया कि भाई ये रसगुल्ले की प्रॉब्लम नहीं, इनको डायबिटीज है। तो कंफ्यूज मत होना, जब आपको कोई प्रोस्पेक्ट डायबिटीज वाला मिल जाए जिसको लाइफ में सक्सेस नहीं चाहिए तो कंफ्यूज होने की जरूरत